दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आ गए एक और न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आपके लिए। तो कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम लोग हैं अपने मौसी के घर, जैसे कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो अभी हम लोग रुके हैं। हाँ यार, मौसी के हाथ का पास्ता मेरे को बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। मैं जब भी आता हूँ ना, तो नाश्ते में मैं हमेशा बोलता हूँ मौसी को, मौसी हमारे लिए पास्ता बना देना। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है मौसी के हाथ का पास्ता। आप एक बार देख लीजिए, मैक्रोनी पास्ता। तो गाइस चलिए मैं खाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ मौसी के घर से हमें कहाँ निकलना है। तो मैं क्या बोल रहा था कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हम लोग बहुत जगह घूम रहे हैं। अभी हम लोग रायपुर में ही हैं और रायपुर के कुछ प्राचीन स्थल और बहुत अच्छे अच्छे जगह घूम रहे हैं, और वहाँ पे भी आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ घूमने के लिए जगह है। तो अभी हल्ला चल रहा है। मैं तो अभी रेडी हो चुका हूँ, नहा भी लिया हूँ, फ्रेश भी हो गया हूँ। रन्नू पापा भी हो गए हैं। अब बस हम लोग कुछ ही देर में नाश्ता करके निकलेंगे अपने नए जगह जाने के लिए। तो आपको भी देखना मत भूलिएगा उसको भी, तो उसे भी देख लीजिएगा वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। और चैनल पे न्यू तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट दिखाना, दिल से प्यार दिल से शुक्रिया जो हमें सब्सक्राइब करेगा, और लाइक भी कर देना। तो गाइस पहले मैं फिनिश करता हूँ अपना मैक्रोनी पास्ता, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को कर दो लाइक, फटाफट से कर दो जो बोला हूँ सब कर देना। तो फिलहाल अभी हम सब हो चुके हैं रेडी, और ये देखो मैंने कोट को कैसे पहना है। वो क्या है, पापा बोल रहे कि ठंडी है तू पहन ले, लेकिन मैं पूरा नहीं पहनूंगा, मैं नहीं पहनूंगा पूरा, इसलिए ऐसे पहना हूँ मैं। और अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, मेरे साथ आज हमारे भाई भी जा रहा है घूमने के लिए, क्योंकि आज इसका छुट्टी है स्कूल का, इसलिए ये हमारे साथ घूमेगा और अब मजा आएगा थोड़ा। चलिए हम लोग चलते हैं और कार के पास, फिर कार में बैठते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं मौसी के घर से। हम लोग अभी बैठ चुके हैं कार में और निकल चुके हैं अपनी सफर में। देखिए गाइस, हमारे साथ हमारा भाई, मेरा भाई हाय बोलते, और बेबी हमारी अभी पीछे बैठी है, तो बहुत आगे बैठी है, और बेबी हमारी अभी आगे बैठी है, सबको बहुत मजा आ रहा है। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं चंदपुरी के लिए, जहाँ पे माता कौशल्या जी का जन्म हुआ था, जन्म स्थल है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे दर्शन करने, और आपको भी वहाँ का माहौल दिखाएंगे और आपको भी घुमाएंगे। तो देखना मत भूलेगा वीडियो को लास्ट तक के, चैनल पे न्यू तो कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी मत भूलिएगा। रोड का भी हम लोग एक बार आपको जानकारी दे देंगे, मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा यहाँ पे कैसे कैसे आपको जाना है, मैं पूरा व्यू दिखा दूंगा गूगल मैप का, तो बाजू में आपको दिख रहा होगा, तो वो भी देख लेना आप एक बार। हम अपने गूगल के सहारे, धोखा देने वाली गूगल जो बिल्कुल ही सही रास्ता नहीं बताती, फिर भी हम लोग चल रहे हैं और अपने हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में हम लोग पूछते हुए भी पहुंच जाएंगे, तो आपको फिर मैं भी एक बार सही व्यू दिखा दूंगा गूगल का, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी उस रास्ते से आ सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच रहे हैं गाइस। बस कितना किलोमीटर भाई? डेढ़ किलोमीटर बस हमें और जाना है, 1.5 किलोमीटर। जीपीएस खोल के रखा है ये, पहले मैं देखता हूँ, अभी मेरे को तो वीडियो बनाना है इसलिए मैं ये जीपीएस देख रहा है। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं चंदपुरी, 5 मिनट का रास्ता है बस। चंद खुरी 1.5 किलोमीटर एंड 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट बस और लगेगा गाइस। ज्यादा इंतजार नहीं करवाने वाले हम आपको। व्यू तो आपने अभी देखा ना सिनेमैटिक्स में, कैसा लगा आपको, मतलब आप समझ गए ना हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। वहाँ पे मंदिर है, पिकनिक स्पॉट भी है क्या? पिकनिक स्पॉट, खाना भी रखा है, क्योंकि हमने दिख जाएगा, देखना पड़ेगा, मजा आएगा। पहाड़ वहाड़ है कि नहीं? पहाड़ जाके ही पता चलेगा, जाके पता चलेगा गाइस, और हम लोग भी जाके एंजॉय करेंगे। हम लोग भी पहली बार जा रहे हैं गाइस, तो जो भी पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे न्यू तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है मुझे पता है, आ रहा है तो लाइक करो ना यार, क्या वेटिंग, क्यों वेट करते हो यार, किस चीज का वेट करते हो, बोलने का जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको, लाइक कर देना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चाहिए, सब कर देना चाहिए। Oh, 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 oh
दूरी तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कौशल्या माता मंदिर, जहां पे इनका जन्म हुआ था, कौशल्या माता जी का, राम जी की मैया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, कार को पहले करना पड़ेगा पार्क, उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर। बहुत ही बढ़िया नजारा आ रहा है मंदिर का, तो आप भी कुछ ही देर में देख लेंगे वो, तो चिंता मत करिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीट बेल्ट मैंने लगा लिया था क्योंकि ये बिलासपुर वाले रोड से हम लोग आए थे, हाईवे बिलासपुर हाईवे, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। जगह जगह पे ट्रैफिक वाले खड़े रहते, तो चलिए चलते हैं बाहर, निकलो भागो। तो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, और ये देखिए एक बार मंदिर का व्यू देख लो आप पूरा। वहाँ पे एंट्रेंस एक और बन रहा है, और ये रहा यहाँ पे एंट्रेंस, और यहाँ पे देख सकते हैं आप श्री रामचंद्र जी की इतनी बड़ी प्रतिमा मूर्ति। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और भी बहुत कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे देखने के लिए। एक बार मेरे पीछे आप देखिए कितना बड़ा गेट है, और बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं, और यहाँ पे तालाब भी है, यहाँ पे बरगद का पेड़ भी है, बरगद का पेड़। हाँ कितना बढ़िया है यहाँ पे, और ये देखिए मेरे पीछे सुंदर नजारा है, मैं आपको क्या दिखाऊं। ब्रिज तो देखो आप कैसा डिजाइन बनाया गया है, ऐसा लग रहा है ब्रिज को कोई हाथ से पकड़ा हुआ है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। अब इसके ऊपर से हम लोग चलते हुए मंदिर के दर्शन भी करेंगे, पहले आप एक बार मंदिर का पूरा व्यू, पानी का पूरा, तालाब का पूरा व्यू देख लीजिए, उसके बाद हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। हाँ हाँ उतारूँ गाइस, मैं थोड़ा फोटो के नाम पे शूज उतारना भूल गया, वहाँ पे उतारना है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे फिश भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए कहाँ पे है अरे बाप रे, बूढ़ा तालाब सारा फिश है, कितनी फिश है यार, मस्त अति उत्तम अति सुंदर। ये हाथ देख पा रहे हो आप, इसी हाथ से पकड़ा हुआ ये ब्रिज है, और इसी ब्रिज में का डिजाइन भी बहुत बढ़िया है इस ब्रिज का। वहाँ पे समुद्र मंथन का मूर्ति है, देख सकते हैं आप सभी भगवानों की। चलिए अब चलते हैं आगे, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे, पेड़ है ये सब, पानी वाला पेड़ है। वाओ गाइस इतना बढ़िया मजा आ रहा है, बस इतना ही नहीं गाइस, बहुत सारे व्यू है यहाँ देखने के लिए, तो वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक भी कर दो, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पास, बहुत ही बढ़िया यहाँ का डेकोरेशन किया गया, और बहुत ही बढ़िया इस मंदिर को बनाया गया है, सजाया गया है। बाहर का एंट्रेंस भी हमें बहुत बढ़िया लगा, आप भी आएंगे तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है, आप भी हमारे अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, और यहाँ पे पिकनिक भी कर सकते हैं, आपके पिकनिक के लिए भी है। देखो गाइस कितना सुंदर मंदिर है, और भोलेनाथ जी की वहाँ पे मूर्ति भी है, जय बजरंगबली। यहाँ पे आप जो ये साधु देख पा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे समाधि ली है, सुखैन वैद्यराजी, वाह। बेबी उतरो इधर आओ, नहीं जाना उधर, गलत बात, ये तो कुछ सभा लग रही है राजा जी की। ये वैद्यराज मतलब ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाले बाबा थे, डॉक्टर टाइप के कुछ। तो चलिए अब हमें आपको आगे भी दिखाते हैं, ये देखिए भोलेनाथ जी की मूर्ति, और हमारे आजू बाजू पूरा पानी है, और ये मंदिर पानी के बीच में बना है गाइस।
ये वाला मंदिर भी देख सकते हैं, आएंगे हम यहाँ पे भी दर्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर चलते हैं और भोलेनाथ जी की दर्शन करते हैं। पहुँच गए हम लोग ऊपर, बहुत ही बड़ा मंदिर है, वाओ बहुत ही बढ़िया, मस्त व्यू भी आ रहा है यहाँ से। गाइस ये देखिए, एक बार आपको अगर इस मंदिर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस बोर्ड को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम चलते हैं आगे और थोड़ा घूम लिया जाए, मंदिर को एक्सप्लोर करा जाए। गाइस ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, चारों तरफ हमारे पानी ही पानी और बीच में यहाँ पे मछली ही मछली, इतनी सारी मछली मैं आपको क्या बताऊं। वाओ गाइस, और पौधे भी, समुद्र पौधे, ऐसा लग रहा है समुद्र में आ गए हम लोग। एक्वेरियम गाइस, गर्मी नहीं लग रही ना, पर बहुत साफ है पानी, ये एकदम साफ। और यहाँ कितनी छोटी छोटी मछली, बाप रे इधर तो देखो, बाप इतनी सारी मछली गाइस, लाखों करोड़ों के तादाद में यहाँ पे मछली है। गाइस बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर व्यू है, पानी चारों तरफ है हमारे मंदिर के, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो गाइस प्रसाद भी ले लिया हमने, अब हम लोग जा रहे हैं कार के पास क्योंकि हमारी कार में हमारा टिफिन लंच बॉक्स है, तो हम लोग खाना भी खाने वाले, पिकनिक भी करेंगे। अभी तो हम लोग ये मेन वाले ब्रिज से जा रहे हैं। गाइस हमने दर्शन भी कर लिए भोलेनाथ के, और पहले मैं अपने शूज पहन लूं, उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे खाना खाने। हमने अपना टिफिन भी लाया है, मजा आएगा, पिकनिक भी दिखाएंगे आपको, तो देखना मत भूलिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो फटाफट से। गाइस सामने हमारे मंदिर है और अभी हम लोग यहीं पे खाना खाएंगे छाव के नीचे, और बाजू हमारे गन्ने का खेत है, एक दो गन्ना तोड़ के तो लाओ यार, खा लिया जाए थोड़ा मजा आ जाए। पहले हम लोग खाना निकालते हैं उसके बाद खाते हैं। हाउ आर यू, कैसा लग रहा है भाई तुझे, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है घूमने का। हाँ। नेचर के साथ, मतलब ट्रैक कर रहे हैं एकदम नेचर के साथ। हम लोग अभी खाना खाएंगे, गन्ना तोड़ के आया है क्या यार? नहीं भाई घेरा हुआ है, चल कहीं से कूद के चलते हैं। यहाँ से अगर कूदेंगे ना तो बहुत डांट पड़ेगा, मालिक आ गया उसके लिए, क्या करेगा इतने सारे गन्ने का, खुद नहीं चबा पाएगा, उसके दांत ऐसे ही नहीं होंगे, है ना। खाना तो निकल चुका है, चलिए खाते हैं। आप भी आएंगे तो अपने साथ खाना भी ला सकते हैं, यहाँ पे पिकनिक के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। हाँ यार बना भी सकते हैं, पता है आप जगह चाहें तो, बहुत सारी जगह ऐसे खाली मैदान भी है जहाँ पे आप बना सकते हैं खाना। और एक तिरपाल ला लेना क्योंकि धूप के छांव के लिए कुछ नहीं है ना, समझ जाओ, पेड़ का छाया है वैसे तो। पेड़ का छाया भी, लेकिन आपको रोड के बाजू बाजू ही दिखेगा क्योंकि हम लोग भी रोड के बाजू बैठे हैं। नेचर खुद इतना दिया है। पकड़ो पकड़ो भाई, मिल गया, खाते हैं पूरी सब्जी। फिलहाल मैं अभी खाना खा चुका हूँ और बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत देर से भूख लगी थी हम लोग को, काफी दूर तय करके हम लोग रास्ता तय करके आए हैं और फिर उसके बाद भूख भी लग रही थी। नहीं मिलेगा यार नेटवर्क, नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, मेरा वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है यार, सुबह का व्लॉग अभी नहीं आया होगा, आप देखे भी नहीं होगे, कोई दिक्कत नहीं, रात तक तो हो ही जाएगा ना, आज के दिन बस अपलोड करना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट कर रहे हैं अभी हम लोग, मम्मी खा लेती है फिर निकलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे, वो तो आप ही को देख रहे हैं, वीडियो को देखते रहोगे तो आपको समझ में भी आएगा, तो देखते रहना वीडियो को लास्ट तक, जरूर देखना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। अभी हम लोग कार में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं एक दूसरी जगह के लिए, तो दूसरी जगह को भी देखना ना भूलिए। और व्यू तो यार यहाँ से जाते समय व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, पता है कैसे,
पेड़ ही पेड़ चारों तरफ सिनेमैटिक्स, तो आपने इंजॉय किया ही होगा, तो करिए, और अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए सिनेमैटिक्स भी एक बार वीडियो को पीछे करके। गाइस ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था क्रिसमस की प्रिपरेशन, क्या जबरदस्त है, मजा आ रहा है।